हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है MVC के लिए जो है क्विक फिक्स किया था हमारे कोड को। अब हमको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन का फीचर जो है हमारे प्रोजेक्ट में ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से जो है कंट्रोलर और राउट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को सेपरेट में रखेंगे और यूजर को जो है हम सेपरेट रखेंगे। तो आप भी क्या करें, सबसे पहले राउट के अंदर आए और यहाँ पे आप क्या करें, एक न्यू फाइल क्रिएट करें जिसका नाम आप रख सकते हैं users.route.js। तो यहाँ पे जो है यूजर के लिए राउट की फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, कंट्रोलर के लिए भी एक फाइल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल आप क्रिएट करें, यूजर्स कंट्रोलर। तो ये दोनों फाइल्स हमारी जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कंट्रोलर लिख देंगे, उसके बाद में इसका राउट जो है यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है सबसे पहले दो फंक्शंस को इंपोर्ट करना है। पहले शुरू देखिए, अगर आप प्रोडक्ट कंट्रोलर को जो है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास था प्रोडक्ट का मॉडल और यहाँ पे था एसिंक हैंडलर, यानी कि एक्सप्रेस असिंक हैंडलर। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप क्या करें, यूजर के कंट्रोलर में इसको पेस्ट कर दें। और प्रोडक्ट के बदले अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे जो है यूजर का मॉडल चाहिए। अगर आप भूल गए होंगे तो यहाँ पे मॉडल के फोल्डर के अंदर देखिए हमारे पास जो है तीन मॉडल है, ऑर्डर मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल और यूजर मॉडल। तो इस यूजर मॉडल को हमको यूज करना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस प्रोडक्ट मॉडल को भी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हमको चाहिए यूजर मॉडल। तो सक्सेसफुली दोनों इंपोर्ट हो गए। अब इसके लिए हमको क्या करना है, फंक्शन क्रिएट करना है। अब फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, तो कंट्रोलर का फंक्शन बहुत सिंपल है, आपको लिखना है कॉन्स्ट और उसके बाद में आपके कंट्रोलर का नाम। तो यहाँ पे हमारे पास auth के लिए, तो हम लिखते हैं auth controller और इसके अंदर हमको क्या करना है, फंक्शन लिखना है। लेकिन देखिए अभी हमारे पास जो है यूजर से रिस्पॉन्स आने वाला है, यानी कि अब तक क्या हो रहा था, हम जो है यूजर को रिस्पॉन्स सेंड कर रहे थे, लेकिन अब यूजर से हमको इनपुट लेना है। तो कैसे लेते हैं हम, देखिए हमारे पास क्या होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है ना, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, यूजर को जो है डेटा सेंड करते हैं। और हमारे पास सेकेंड होता है रिक्वेस्ट, तो इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है, हम यूजर से कुछ भी इनपुट ले सकते हैं। तो इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को एनेबल करने के लिए हमको क्या लगता है, बॉडी पार्सल लगता है। तो आप चाहे तो इसके लिए अलग से बॉडी पार्सल का मॉड्यूल या फिर पैकेज जो है डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेस जेएस हमको बिल्ट इन जो है बॉडी पार्सल भी प्रोवाइड करता है। तो आप क्या करें, सर्वर डॉट जेएस की फाइल में आए, इस कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है मिडलवेयर को ऐड करना है। मिडलवेयर को कैसे ऐड करते हैं, आपको लिखना है ऐप डॉट यूज और इसके बाद में हमारे पास है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस के अंदर है हमारे पास जेसन, क्योंकि जेसन में हमारे पास डेटा रहेगा। तो यहाँ पर लिखकर सेव कर ले, तो इसका काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं कमेंट भी लिख देता हूँ, यहाँ पे है मिडलवेयर और ये है बॉडी पार्सर के लिए। अब क्या करते हैं, वापस चलते हैं यूजर कंट्रोलर में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, असिंक हैंडलर का इस्तेमाल करना है। असिंक हैंडलर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर असिंक्रोनसली, जैसे कि देखिए हमारे पास कहाँ था, प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स कंट्रोलर के अंदर हमने यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया था। ठीक उसी तरीके से आप क्या करें, अगर आपसे टाइपो हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिंपली इसको कॉपी कर लें और हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और इसके अंदर का जो है डेटा आप उसको रिमूव कर दें। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब जो है यूजर से जो है डेटा हमको लेना है। तो हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और इसके बाद में आ सकता है ईमेल या फिर कह लीजिए पासवर्ड, जो भी हम यूजर से लेना चाहते हैं। तो हमारे केस में क्या है, हमारे पास ईमेल और पासवर्ड के बेसिस पे हम जो है ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं और एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप क्या करें, कॉन्स्टेंट बना लें और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ईमेल ले लेंगे, ईमेल के बाद में पासवर्ड। तो ये दोनों भी कहाँ से आने वाले, ये यूजर से आने वाले। तो इतना लिखने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्यूरी को जो है फायर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है रिस्पॉन्स डॉट सेंड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, ईमेल और पासवर्ड। तो क्विकली मैं आपको एक बार छोटा सा डेमो दे देता हूँ कि एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट में जो है auth कंट्रोलर को जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो इसको लिख के सेव कर ले। सेव करने के बाद आप क्या करें, तो यहाँ पे हमने यूजर राउट के लिए भी फाइल क्रिएट की है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है प्रोडक्ट राउट डॉट जेएस में जाए
और क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और इसमें से हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर जो है ये कंट्रोलर हमको नहीं चाहिए, हमको अभी चाहिए यूजर का कंट्रोलर। कॉन्स समथिंग इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और हमको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जो है पाथ देना है डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर्स, और हमारे पास है यूजर कंट्रोलर। और इसके अंदर से हमको क्या चाहिए, हमने जो अभी एक्सपोर्ट किया था ऑथ कंट्रोलर, तो हमको यहाँ पर वो चाहिए। तो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है हमारा हो चुका है इम्पोर्ट। और हम क्या कर सकते हैं, इस कमेंट को भी चेंज कर देता हूँ मैं, पोस्ट ईमेल एंड पास, या फिर हम क्या करते हैं ऑथ कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या रहेगा, मेथड जो रहेगा वो पोस्ट रहेगा। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं राउटर डॉट पोस्ट, और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्लैश दे सकते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन के लिए हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। और उसके बाद में आप क्या करें, आपका कंट्रोलर यहाँ पे ऐड कर दें, जैसे कि ऑथ कंट्रोलर हमारे केस में है, और इस फाइल को आप सेव कर लें। सेव करने के बाद हमको क्या करना है, सर्वर डॉट जे एस की फाइल में जाना है, और यहाँ पर जो है इम्पोर्ट करना है इसको। तो आप लिखे कॉन्स, और यहाँ पे हमारे पास है यूजर्स राउट इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और यहाँ पे आप उसका पाथ दे दें डॉट स्लैश, और यहाँ पे हमारे पास है routes का फोल्डर, और इसके अंदर है हमारे पास यूजर राउट। और हमको क्या करना है, इस यूजर राउट को जो है अब जो है हमारे पास नीचे यूज करना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट के बदले यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ यूजर राउट, और API के स्लैश में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूजर दे देता हूँ, ताकि पता चले ये यूजर के लिए है। अब इतना लिख के सेव कर लेते हैं, और हमारी एप्लीकेशन को हम जो है रन कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको पावर शेल कर देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास जो है बाई डिफॉल्ट जो है मिंटी टर्मिनल है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली जो है लिखना है npm रन सर्वर। अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा प्रोजेक्ट जो है रन हो जाएगा पोर्ट पर। पोर्ट हमारे पास क्या है, 8080 है। अगर आपने जो भी डिफॉल्ट पोर्ट दिया होगा तो वहां पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना है, पोस्टमैन का इस्तेमाल करना है। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये। तो देखिए सक्सेसफुली जो है सर्वर रन कर रहा है पोर्ट 8080 पर। तो आप क्या करें, पोस्टमैन को ओपन कर ले। पोस्टमैन के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस डॉट तीन डॉट पर क्लिक करें, और यहाँ से एक और फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐड फोल्डर, और हम यूजर को जो है सेपरेट अलग से एक फोल्डर में रखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें यूजर राउट, और डिस्क्रिप्शन आपको जो भी देना है आप दे सकते हैं यहाँ पे यूजर राउट। और इसके अंदर हमारे पास एक न्यू रिक्वेस्ट हम रखेंगे, जो कि होंगी पोस्ट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसका नाम रख देते हैं और यहाँ पर मैंने ये रिक्वेस्ट क्रिएट कर ली। तो इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, फेच प्रोडक्ट में से जो है सबसे पहले कॉपी कर देता हूँ URL, और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। इसका मेथड आपको पोस्ट रखना है, और API के बाद में हमारे पास है यूजर्स, यूजर्स के बाद में हमारे पास है लॉगिन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉडी सेलेक्ट करना है। बॉडी के अंदर हम रॉ डेटा सेलेक्ट करेंगे, और टेक्स्ट के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेसन सेलेक्ट करेंगे। अब हमको यहाँ पे जेसन डेटा जो है प्रोवाइड करना है। तो आप क्या करें, ईमेल, मेक श्योर आप जो है डबल कोट्स में लिखें ईमेल। ईमेल के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ भी ईमेल दे सकते हैं, जैसे कि xyz@xabc.com, और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करें, पासवर्ड लिखें, पासवर्ड, और उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं 123, और यहाँ से मैं जो है इसको सेंड कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने जो है कॉमा नहीं दिया, तो इसके बाद में आप क्या करें, कॉमा यहाँ पे देते हैं, और यहाँ से सेंड कर देंगे। तो देखिए सक्सेसफुली जो है हमको हमारा डेटा ये रिटर्न कर रहा है। क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है कंट्रोलर कहाँ है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने जो है रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर जो है सेम ईमेल और पासवर्ड को रिटर्न कराया था। तो सक्सेसफुली जो है यहाँ पर इनपुट आ रहा है यूजर से। अब हमको क्या करना है, हमारे एक्चुअल डेटाबेस में से ईमेल और पासवर्ड को फाइंड करना है, और यूजर को जो है कुछ टोकन सेंड करना है। तो टोकन हम एक स्टेप बाद में देखेंगे, अभी हम क्या करते हैं एक्चुअल में जो यूजर करंट हमारे पास आने वाला है, जैसे कि यहाँ पर अगर ईमेल और पासवर्ड सेंड करता है तो वो कौन सा यूजर है हम उसको शो कराएंगे। तो अगर आप डेटाबेस में चेक करेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए नेम है एडमिन, फिर ईमेल एडमिन, तो ये ईमेल है, और उसके बाद में हमारे पास है पासवर्ड। लेकिन पासवर्ड क्या है, हमारे पास एनक्रिप्टेड है, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और यूजर मॉडल के अंदर आपको जाना है सबसे पहले, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर जो है हम कंपेयर करेंगे नॉर्मल पासवर्ड को हमारे
इनक्रिप्टेड पासवर्ड से। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होंगे समझने में, तो एक आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो यूजर क्या करेगा, उसका प्लेन टेक्स्ट वहां पर इंटर करेगा, वो क्या होगा, वो कंपाइल होके यानी कि एनक्रिप्ट होके जो है हमारे डेटाबेस में स्टोर होगा। और अगेन क्या करना है हमको कि यूजर जब लॉग इन करेगा तब भी वही पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट इंटर करेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो डेटाबेस में हमारे पास इनक्रिप्टेड पासवर्ड सेव है जैसे कि हमारे केस में भी यहाँ पर है, तो इसको हमको डिक्रिप्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर का फंक्शन यूज करेंगे जो कि बीक्रिप्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर मॉडल के अंदर जाना है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर बीक्रिप्ट को जो है इम्पोर्ट कर देंगे। तो कॉन्स्ट और बीक्रिप्ट फ्रॉम बीक्रिप्ट जेएस, तो ऊपर इम्पोर्ट कर दिया। अब क्या करें आप इस स्कीमा के अंदर, और यूजर से पहले आप क्या करें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, मंगूस में जो है मॉडल के अंदर भी फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको बैकएंड पे कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम जो है मॉडल की फाइल में भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके स्कीमा का यूज करना है। तो हमारे पास है यूजर का स्कीमा, इसके अंदर हमको क्या करना है, मेथड्स क्रिएट करने हैं। तो आप लिखेंगे मेथड्स, मेक श्योर स्पेलिंग सही हो। मेथड्स के बाद में आपको आपके मेथड का नाम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड के लिए लिख रहे हैं, तो मैच पासवर्ड, और ये क्या रहेगा, एसिंक फंक्शन रहेगा। तो हमारे पास डेटाबेस से आएगा ना वैल्यू, तो ये एसिंक रहेगा। और यहाँ पे आपको नॉर्मल फंक्शन लिखना है क्योंकि एरो फंक्शन जो है सपोर्ट नहीं करता। अब इसके अंदर हमारे पास जो है एक आर्ग्यूमेंट रहेगा, इंटर पासवर्ड। अब ये क्या है, ये यूजर जो पासवर्ड इंटर करेगा हम यहाँ पर जो है इसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करना है और इसके अंदर जो है हम कुछ रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें रिटर्न, और रिटर्न में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है अवेट करना है क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रॉमिस है, एसिंक है ना, ऊपर हमने डिफाइन किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। तो अवेट में आपको लिखना है फिर बीक्रिप्ट का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीक्रिप्ट डॉट, इसके बाद में हमारे पास एक कंपेयर का फंक्शन, तो ये डिफॉल्ट फंक्शन है bcrypt.js के साथ में हमको मिलते हैं, आप चाहे तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कंपेयर फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इंटर्ड पासवर्ड यहाँ पर सेट कर देंगे, इंटर्ड पासवर्ड। और उसके बाद में हमारे पास जो मॉडल के अंदर पासवर्ड है, तो कहाँ पर है, देखिए पासवर्ड की फील्ड जिसमें हमको प्लेन पासवर्ड आने वाला है, तो यहाँ पे आपको लिखना है दिस डॉट पासवर्ड। इतना लिख के आप क्या करें, इस फाइल को सेव कर लें। सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है, कंट्रोलर की फाइल में वापस आना है। तो यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स को जो है हटा देंगे क्योंकि सिर्फ हमने यहाँ पर डेमो पर्पस के लिए लिखा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारे पास यूजर का मॉडल है, तो यहाँ से हम जो है फाइंड करेंगे ईमेल और पासवर्ड के बेसिस पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पर, देखिए एक कॉन्स्टेंट, फिर यूजर, हम इसको क्या करते हैं लोअर केस में रखते हैं क्योंकि ऊपर भी हमारे पास डिफाइन है अपर केस में। तो यूजर इज इक्वल्स टू अवेट, क्योंकि ये भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है इसलिए हम अवेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है मेथड लिखना है जो कि नॉर्मल मोंगूस का मेथड होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजर डॉट फाइंड वन, यहाँ पर हम फाइंड वन की मदद से जो है चेक करेंगे। क्या चेक करना है हमको, ईमेल की वैल्यू अगर ईमेल है तो सेम नाम है तो सिर्फ एक बार ही लिखे आप, तो यहाँ पे ईमेल। अब यहाँ पे हम जो है पासवर्ड डायरेक्टली जो है नहीं दे सकते क्योंकि पासवर्ड हमारे पास कंपेयर होके आने वाला है, तो पासवर्ड के लिए हमको अलग से अवेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, कंडीशनली चेक करेंगे हम इफ यूजर एंड फिर अवेट में हमारे पास जो आएगा, यानी कि ये भी प्रॉमिस है हमारे पास, तो अवेट यूजर डॉट, यहाँ पे हमको करना है मैच पासवर्ड क्योंकि हमारे पास क्या है, हमने मॉडल के अंदर अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे लिखा था मैच पासवर्ड, तो ये वाला यूजर डॉट मैच पासवर्ड और उसके अंदर हमारे पास रहेगा पासवर्ड, ये हो गया। तो अब हमको क्या करना है, इसके ब्लॉक में लिखना है रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ रिटर्न करा सकते हैं जैसे कि हमारे पास जो नेम आ रहा है, ईमेल, या फिर इज एडमिन है या नहीं, फिर टोकन भी हम जो है रिटर्न करा सकते हैं। तो डेवलपमेंट मोड में हम कुछ भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन में हम सिर्फ जो है ईमेल यहाँ पर शो करवाएंगे। तो अभी आप क्या करें, यहाँ पर कुछ की वैल्यू पेयर्स बना सकते हैं जैसे कि अंडरस्कोर आईडी, और इसको हम कर लेंगे यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी क्योंकि यूजर से हमको आईडी आने वाली है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, नेम है, तो नेम भी कहाँ से आएगा हमारे पास, यूजर डॉट नेम, और क्या ले सकते हैं हम इसमें, ईमेल भी ले सकते हैं, तो यूजर डॉट ईमेल, और एडमिन है या नहीं वो भी चेक कर सकते हैं, तो इज एडमिन, यूजर डॉट इज एडमिन, और टोकन भी रहेगा। तो टोकन फिलहाल हम क्या करते हैं, टोकन को नल रख देते हैं
क्योंकि अभी हमने जो है टोकन को क्रिएट नहीं किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, एल्स की कंडीशन में भी लिख सकते हैं कुछ कि अगर ये नहीं रहा तो क्या करो, सिंपली जो है एरर थ्रो कर दो। तो रिस्पॉन्स यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटस, स्टेटस के अंदर कोड 401 अनऑथोराइज यूजर के लिए, फिर उसके बाद में यहाँ पे थ्रो न्यू एरर और इसके अंदर हम क्या करेंगे मैसेज लिख देंगे इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो इतना लिख के आप सेव कर लें, सेव करने के बाद सब कुछ सही रहा तो हमारा सर्वर फिर से रन होगा। अब आपको क्या करना है, वापस पोस्टमैन पर जाना है और इस बार आपको जो है सही वैल्यू को प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं पुरानी वैल्यू को ही सेंड करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, यानी कि स्टेटस कोड का यहाँ पे एरर आ रहा है हमको। अगर इसके बदले हम क्या करेंगे, अब ओरिजिनल वैल्यूज जो कि हमारे डेटाबेस में, देखिए कहाँ पर ईमेल के लिए हमारे पास है admin@admin, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको चेंज कर देंगे। तो admin@admin और पासवर्ड में हमारे पास था आई थिंक 123456 और यहाँ पे सेंड कर देते हैं। user.match.password इज नॉट अ फंक्शन, तो यहाँ पे कुछ एरर है हमारे पास, तो इसको क्विकली फिक्स कर देते हैं। चलिए तो आई थिंक हमने यहाँ पर यू कैपिटल कर दिया, तो इसको स्मॉल कर दें क्योंकि ये वाला यूजर रहेगा। और वापस हम क्या करते हैं इसको सेव कर लेते हैं, तो सर्वर हमारा फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। देखिए परफेक्टली जो है रिस्टार्ट हो गया। वापस चलते पोस्टमैन पर और फिर से रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। तो देखिए परफेक्टली जो है हमारे पास यूजर की आईडी आ रही है, उसका नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है और इज एडमिन है या नहीं ये भी हमको शो हो रहा है। तो ऑथराइजेशन का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन पर काम करना है। जैसे कि हमारे पास टोकन है अभी नल है, तो हमको क्या करना है यहाँ पर फिल करना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो है npmjs पर विजिट करें। तो वेब ब्राउजर में आप क्या करें npmjs.com पर विजिट करें और यहाँ पे जो है आप जेसन वेब टोकन को सर्च करें। तो यहाँ से आपको क्या होगा, इसका जो है इंस्टॉलेशन का कोड मिल जाएगा, जैसे कि npm i जेसन वेब टोकन। तो इस टोकन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे जो है ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोजेक्ट में। और साथ ही में नीचे यहाँ पर उसका यूजेज भी है कि कैसे ये काम करता है और कितनी जो है इसके अंदर हमको फीचर्स मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है रिक्वायर करना पड़ेगा जेसन वेब टोकन को, ये इंस्टॉलेशन के बाद में है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम जो है साइन का मेथड इस्तेमाल करेंगे जेसन वेब टोकन क्रिएट करने के लिए। और इसके अंदर हमारे पास होता है पेलोड और उसके बाद में है यहाँ पर सीक्रेट की। तो ये कैसे क्रिएट करना है हम अभी देखेंगे। फिलहाल आप क्या करें, सबसे पहले इस कमांड को जो है कॉपी कर ले, यानी कि npm i json web token को, और टर्मिनल ओपन कर ले। तो यहाँ से हम क्या करते हैं एक और टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इसको आप पेस्ट कर दें, जैसे कि आपको लिखना है npm i json web token और एंटर प्रेस कर देना है। मेक श्योर आप जो है सही पाथ में हो, यानी कि आपके रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो इतना लिख के आप क्या करें एंटर प्रेस कर दे, तो ये आपके एप्लीकेशन में जो है डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं package.json की फाइल में डाउनलोड होने के बाद, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा JSON वेब टोकन और उसका वर्जन। तो मैंने पहले ही इसको डाउनलोड करके रखा है, तो आप भी क्या करें सबसे पहले इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखें। तो ये डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है सबसे पहले बैकएंड के अंदर। तो यहाँ बैकएंड के अंदर आप क्या करें राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करें, जिसका नाम आप रख सकते हैं यूटिल्स, यानी कि यूटिलिटी रहेंगी हमारे पास के अंदर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर जो है हम टोकन जनरेट करेंगे। तो जनरेट टोकन डॉट js आप इस फाइल का नाम रख सकते हैं, तो फाइल से ही हमको समझ में आए। तो यहाँ पे मेरे से टाइपो है तो मैं इसको क्विकली फिक्स कर देता हूँ, जनरेट ओके। तो जनरेट टोकन डॉट js, अब हमको क्या करना है सबसे पहले जेसन वेब टोकन को इम्पोर्ट करना है। तो कॉन्स्ट और यहाँ पे आप लिखें शॉर्टकट में JWT इज इक्वल्स टू रिक्वायर और यहाँ पर जेसन वेब टोकन, तो ये इम्पोर्ट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है यहाँ पर जो है एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसकी मदद से जो है हम वेब टोकन क्रिएट करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं सिंपल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर हमने पहला स्टेप कर लिया है। सेकेंड वाले में हमको टोकन क्रिएट करना है जिसके अंदर हमारे पास पेलोड है और यहाँ पर सीक्रेट की है, तो ये भी हमको क्रिएट करना है। तो आप क्या करें पहले एक फंक्शन क्रिएट करें जिसका नाम हम रख सकते हैं जनरेट टोकन, ये एक फंक्शन है। तो आप इसको
एरो फंक्शन बना दें तो कॉन्स्ट जनरेट टोकन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे आईडी प्रोवाइड करेंगे। तो आईडी के बेसिस पे जो है हम यहाँ पर टोकन क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है रिटर्न करना है JWT, और इसके अंदर हमारे पास साइन का मेथड। अब साइन के मेथड के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो है पेलोड है। अब पेलोड में क्या रहेगा, हमारे पास सिंपली आईडी है क्योंकि हम जो है आईडी कंपेयर करेंगे, और उसके बाद में सेकंड आर्गुमेंट है हमारे पास सीक्रेट की। तो सीक्रेट की आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन बेस्ट वे है कि आप जो है .env फाइल में इसको बना दें। तो आप क्या करें .env फाइल को ओपन करें, और यहाँ पर आप क्या करें एक न्यू वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करें। तो मैं लिखता हूँ JWT_key इक्वल टू ABCD123। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सिर्फ हम डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आप क्या करें जनरेट टोकन डॉट जे एस की फाइल पर वापस आए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपली जो है यहाँ पर पास कर देंगे प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, और इसके बाद में आपने जो लिखा था जैसे कि मेरे केस में JWT_key, तो ये प्रोवाइड कर दिया हमने। तो इसके बाद में होता है थर्ड आर्ग्यूमेंट, जिसके अंदर जो है हम टोकन की वैलिडिटी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे एक्सपायर इन, तो कितने दिन में जो है टोकन एक्सपायर होना चाहिए आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 30 डेज कर देता हूँ, यहाँ पर 15 डेज इनफ है, यहाँ पे 15 डेज। और इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, तो आप कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और हम क्या करेंगे यहाँ पे इस फंक्शन को जो है इंपोर्ट कर देंगे, तो जनरेट टोकन, और इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद आपको क्या करना है यूजर कंट्रोलर में सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना है। तो यूजर कंट्रोलर में हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे, तो आप लिखे कॉन्स्ट और जनरेट टोकन इज इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ, इसका पाथ दे देंगे ./, और हमारे पास यूटिल्स है, यूटिल्स के अंदर जो है जनरेट टोकन है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर जो है इसको कॉपी करना है, और इस नल के बदले में हमको यहाँ पर जो है एज अ फंक्शन यहाँ पर पास कराना है। तो इतना करके आप क्या करें इसको सेव कर लें। अब सेव करने के बाद आप क्या करें वापस चलते पोस्टमैन की तरफ, और यहाँ पर देखिए जनरेट टोकन में हम क्या करेंगे इसकी आईडी भी पास करा देंगे, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया यहाँ पर पेलोड में आईडी प्रोवाइड किए ना, तो अब इसको पता भी तो होना चाहिए कि कौन सी आईडी है। तो यहाँ पे यूजर ._id, तो यूजर की जो आईडी है वो। तो इतना लिख के आप क्या करें सेव कर लें, मेक श्योर जो है कंसोल पे या फिर आपके जो है टर्मिनल में आपको कोई एरर ना आए, और वापस चलते पोस्टमैन पर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है सेंड कर देंगे रिक्वेस्ट, तो जनरेट टोकन इज नॉट अ फंक्शन। तो आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक की होंगी, चलते हैं वापस। जनरेट टोकन की फाइल में इश्यू बता रहे हैं, तो यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा कॉन्स्ट, अच्छा आई थिंक कर्ली ब्रेसेस में हमने लिख दिया, इसको कट कर लें क्योंकि हमको ये एक्सट्रैक्ट नहीं करना। इतना लिख के आप क्या करें सेव कर लें यहाँ से कर्ली ब्रेसेस निकालने के बाद, और वापस एक बार रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं। तो यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड, तो देखिए परफेक्टली वहाँ पर जो है हमने एक्सपोर्ट में इशू कर दिया था, वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में कर लिया था क्योंकि सिंपल एक फंक्शन है, तो डायरेक्टली हमने जो है वहाँ पर फाइल को मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना था, जबकि हमने वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में जो है सेपरेटली उसको एक्सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से वो इशू आया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है सक्सेसफुली जो है टोकन क्रिएट हो गया है। तो टोकन क्रिएट करने के बाद अब हमको क्या करना है इसको यूज भी करना है, तो उसकी एक थोड़ी नेमिंग कन्वेंशन होती है। तो यहाँ पर आप क्या करें डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर सकते हैं, आपको जो है बीआरआर लिखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रोटेक्टेड राउट्स क्रिएट करेंगे, तो वहां पर हमको इसकी अच्छे से समझ आ जाएंगी कि कैसे हम जो है प्रोटेक्टेड राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर ये टोकन रहा और वो क्लाइंट का टोकन और सर्वर साइड का टोकन अगर मैच होता है तभी जो है वो राउट जो है शो होगा, जैसे कि हमारे केस में होगा शिपिंग एड्रेस का और यूजर की प्रोफाइल का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे यूजर की प्रोफाइल का राउट देख लेंगे, और हम क्या करेंगे कस्टम मिडलवेयर फंक्शन क्रिएट करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे हमारे जो राउट है उसको प्रोटेक्टेड कर देंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और साथ ही में इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।